दोस्तों, क्या आप कुक शेफ हैं? तो आज के ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सूप, क्लासिफिकेशन ऑफ सूप, और ये सूप कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड होता है, पास्ट एंड अनपास्ट सूप में क्या फ़र्क होता है, थिक सूप के 5 कैटेगरीज कौन सी होती हैं, कोल्ड एंड इंटरनेशनल सूप कौन कौन से होते हैं। आज की ये तमाम टॉपिक आपको इस वीडियो में, इनके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शेफ इरफान नवाज और हमारे चैनल में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें कि हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप कुक शेफ हैं तो आपको डेफिनेशन ऑफ सूप और क्लासिफिकेशन ऑफ सूप के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सूप के बारे में कि सूप की डेफिनेशन क्या होती है, सूप क्या है। तो बात करेंगे, सूप एक लिक्विड फूड होता है जो खाने के हमेशा पहले सर्व किया जाता है। सूप अब गर्म या ठंडा भी सर्व किया जाता है और ये वेजिटेबल, चिकन, मीट, फिश वगैरह को बॉयल करके बनाया जाता है और इसमें इसको वाटर, स्टॉक, मिल्क, क्रीम वगैरह के कम्बिनेशन से भी ये बनाया जाता है, जिसे फ्रेंच में पोटाज इसे बोलते हैं। और ये थी सूप की डेफिनेशन। तो दोस्तों, अभी बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सूप के बारे में कि सूप कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड इसको किया जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले सूप की, जो क्लासिफिकेशन का ये जो टेबल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सूप का टेबल। अब सूप को सबसे पहले 4 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया गया है। अगर बात करें सबसे पहले थिन, थिक, कोल्ड एंड इंटरनेशनल। अब थिन सूप भी हमारे पास 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। नंबर 1 पे पास सूप एंड अनपास सूप और नंबर 2 पे थिक सूप। अब थिक सूप जो है हमारे पास, नंबर 1 पे प्यूरी, नंबर 2 पे क्रीम, नंबर 3 पे चौडर, नंबर 4 पे बिस्क्यू सूप और नंबर 5 पे वेलूते। ये हमारे पास 5 कैटेगरी थिक सूप की आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास कोल्ड सूप और इसके बाद इंटरनेशनल सूप में हर कंट्री के सूप आ जाते हैं इसमें। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सूप का ये जो टेबल था। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सूप की मेन जो कैटेगरी है, नंबर 1 पे थिन सूप। अब थिन सूप क्या होता है? दोस्तों, थिन सूप जो है वो एक क्लियर सूप होता है और इसमें किसी किस्म का भी कोई भी थिकनिंग एजेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर कॉर्नफ्लोर, रू, क्रीम वगैरह, इस पर कुछ भी नहीं होता, ये क्लियर सूप होता है। दोस्तों, अब थिन सूप भी 2 कैटेगरी में ये क्लासिफाइड होता है। नंबर 1 पे अनपास सूप एंड नंबर 2 पे पास सूप, ये 2 इसकी कैटेगरी होती है। तो अब बात करेंगे थिन सूप की, जो 2 कैटेगरी हैं, नंबर 1 पे अनपास सूप। अब अनपास सूप वो क्या होता है? अनपास सूप को किसी भी छन्नी की मदद से स्टैन नहीं किया जाता है और यानी कि इसमें जो मुतलका सूप के इंग्रेडिएंट जो होते हैं, मिसाल के तौर पर चिकन, वेजिटेबल, स्टॉक वगैरह वगैरह कुछ भी है, इसको उसी के साथ इंक्लूडेड सर्व किया जाता है, इसको स्टैन नहीं किया जाता इस सूप को। जैसा कि मिनिस्ट्रानी सूप या वेजिटेबल क्लियर सूप। अब मिनिस्ट्रानी सूप जो है, वेजिटेबल क्लियर सूप जो है, इसके अंदर जो तमाम इंग्रेडिएंट्स है, वो इंग्रेडिएंट्स को, इनको स्टैंड नहीं किया जाता, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को साथ में सर्व किया जाता है। ये थी अनपास सूप की डेफिनेशन। दोस्तों, अब बात करेंगे पास सूप। अब पास सूप क्या होता है? पास सूप एक ये भी क्लियर सूप होता है। अब इसको कुक होने के बाद इसको किसी भी छन्नी की मदद से स्टैन किया जाता है। पहले सूप को नहीं किया जाता था, अब पास सूप को छन्नी की मदद से स्टैन किया जाता है और इससे प्लेन लिक्विड सर्व किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि मिनिस्ट्रानी सूप था, इसी तरह का इसमें जो तमाम इंग्रेडिएंट थे, ठीक है,
यूँ समझे कि इसको स्टैंड कर दिया, इसको जो वाटर था ठीक है, ओनली इसको जो प्लान कंज्यूमिंग वो हमने इसको सर्व करना है। लेकिन मिनिस्ट्रानी सूप ऐसा नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैं ये एक चीज़ बात बता रहा हूँ आपको। अब इसकी जो मिसाल है कंज्यूमिंग सूप, अब कंज्यूमिंग सूप मिसाल के तौर पर इस पर आप फिश पोल्ट्री मीट वगैरह से जब बनाते हैं तो उसको आपने हिलाना नहीं होता है, स्टैंड एक जगह पे उसको रखा होता है, कोई उसके अंदर स्पून आपने नहीं हिलाना, तमाम इंग्रेडिएंट डाल के आपने उसको छोड़ देने हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है कि जो उसके फ्लेवर जब उसके अंदर टेक्सचर निकल जाता है मैक्सिमम वन एंड हाफ आवर या टू आवर इसको जब पकाने के बाद, फिर उसको छन्नी की मदद से उसको स्टैंड किया जाता है, उसके जो तमाम इंग्रेडिएंट उसके अंदर है वो उधर ही रह जाते हैं, उसका जो कंज्यूमिंग जो सूप फ्लेवर निकल जाता है वाटर लिक्विड वो सर्व किया जाता है। तो ये थी पास सूप की डेफिनेशन। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ सूप की जो सेकेंड मैन कैटेगरी है उसका नाम है थिक सूप। अब थिक सूप के बारे में बात करेंगे कि थिक सूप क्या होता है। अब थिक सूप वो सूप होता है जिसे किसी भी थिकनिंग एजेंट से जब थिक किया जाता है, मिसाल के तौर पर कॉर्नफ्लोर, फ्लोर क्रीम, वेजिटेबल रू वगैरह वगैरह से जब आप इसको थिक करेंगे तो इज कॉल्ड थिक सूप। अब थिक सूप जो है उसको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। अब इसकी 5 कैटेगरी में सबसे पहले नंबर 1 पे बात करेंगे प्यूरी सूप। अब प्यूरी सूप क्या होता है, प्यूरी सूप वो होता है जिसमें थिकनिंग एजेंट यूज नहीं किया जाता है। प्यूरी सूप में थिकनिंग एजेंट यूज नहीं किया जाता है बल्कि वो अपने ही मेन इंग्रेडिएंट से वो थिक हो जाता है। अब वो मिसाल के तौर पर आप क्रीम ऑफ पोटैटो सूप बनाते हैं, वो अपने ही इंग्रेडिएंट से वो थिक हो जाता है। तो अब नंबर 2 पे बात करेंगे क्रीम सूप। क्रीम सूप का जो टेक्सचर होता है वो क्रीमी होता है और इसका जो थिकनिंग एजेंट होता है वो बेशमेल मिल्क या रू वगैरह होता है। मिसाल के तौर पर क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप, क्रीम ऑफ टोमेटो सूप। अब नंबर 3 पे बात करेंगे चौडर सूप। अब चौडर सूप क्या होता है, चौडर सूप जो है इसका जो टेस्ट होता है वो हैवी होता है, ये एक अमेरिकन सूप है और इसका जो थिकनिंग एजेंट है वो सी फूड और पोटैटोज वगैरह इसका थिकनिंग एजेंट है। तो नंबर 4 पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बिस्की सूप। अब बिस्की सूप ये क्या होता है, बिस्की सूप ये एक सी फूड सूप होता है और ये ओरिजिन फ्रॉम फ्रांस और इसे सी फूड से बनाया जाता है और लाइक श्रेम क्रेब वगैरह जितने भी सी फूड होते हैं उससे इसको बनाया जाता है, मिसाल के तौर पर क्रीम ऑफ बिस्क्यू सूप। अब नंबर 5 पे बात करेंगे वेलुते। अब वेलुते जो है, वेलुते एक थिक सूप होता है और ये इसको इसका जो थिकनिंग एजेंट है ब्लंड रू और लियासो इसका थिकनिंग एजेंट है, मिसाल के तौर पर टोमेटो वेलुते सूप या वेलुते पम्पकिन सूप। तो दोस्तों अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सूप का जो हमारा 3rd मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोल्ड सूप, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब कोल्ड सूप जो होता है वो वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल या फ्रेश फ्रूट से वो बनाया जाता है। अब कोल्ड सूप को कुक नहीं किया जाता, इसको कोल्ड यानी ठंडा इसको सर्व किया जाता है। अब मिसाल के तौर पर चिल कोकम्बर सूप, इस तरह के बहुत से फ्रूट में भी हैं, वेजिटेबल में भी इस तरह के बहुत से सूप हैं। दोस्तों लास्ट में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ सूप की जो नंबर 4 पे जो हम मेन हमारी जो कैटेगरीज है वो है इंटरनेशनल सूप। अब इंटरनेशनल सूप क्या है, इंटरनेशनल सूप कुछ भी हो सकता है, किसी भी थिकनिंग एजेंट से उसको थिक किया जाता है, कोल्ड चिल कुछ भी हो सकता है। और कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा जो इंटरनेशनल सूप है, मिसाल के तौर पर मलिकतानी सूप ओरिजिन फ्रॉम इंडिया और फ्रेंच ओनियन सूप ओरिजिन फ्रॉम फ्रांस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो डेफिनेशन ऑफ सूप और क्लासिफिकेशन ऑफ सूप के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
दोस्तों अगर आप टिकटॉक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो टिकटॉक पे आपको यूट्यूब चैनल का नाम नजर आ रहा है, आप इस नाम को सर्च करके हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पे आपको यूट्यूब चैनल का लिंक नजर आ रहा है, आप इस लिंक को क्लिक करके हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं और इस तरह की कुकिंग से रिलेटेड आप कुकिंग कोर्स की वीडियो मज़ीद आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अब तक के लिए हमें इजाज़त चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।